हर हर महादेव, राधे राधे। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है जन्माष्टमी, आज हमारे यहाँ दो दिन जन्माष्टमी मनाई गई है, किसी किसी दिन 6 को मनाइए, किसी किसी दिन 7 को मनाइए। तो हमारे यहाँ 7 को मैं जन्माष्टमी मना रही हूँ। तो मैंने कुछ DIY किए हैं, 4 DIY मैं इस वीडियो में डालूँगी, 2 DIY मैंने डाल रखे हैं पहले, वो वीडियो आप मेरा जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आज बनाया है, ये मैंने मिठाई के डिब्बे में बनाया है और बहुत कम बजट, बहुत कम, सच में। आप देखिएगा, आप भी बनाइएगा, बहुत सुंदर है। और मेरे कान्हा जी एक है जो इतने ही बड़े, मैं अपने हिसाब से रेट में लगाया है। और मैंने ये एक बहुत पुरानी मेरे पास चौकी थी, बहुत ही कंदी सी हो गई थी, तो मैंने इसको भी अच्छे से डेकोरेट किया है। फ्रेंड्स, आपकी कितनी पुरानी चौकी, आप बहुत कम बजट में उसको भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये भी वीडियो आप देखिएगा मैंने किस तरह से किया है, कितनी सुंदर लग रही। देखिए, ये मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी, काफ़ी टाइम उन्होंने बहुत यूज़ की और फिर अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और जन्माष्टमी की बात है तो मटकियाँ तो बनती हैं, तो जो हर छठ पूजा हमारे यहाँ UP में होती है, अपने बेटे के लिए रहा जाता है। कृष्ण भगवान के जो भाई थे उनकी है कहानी, उन्हीं के उनको हर छठ के जो बच जाते हैं उसके मैंने ये देखिए सारे में अलग अलग कंट्रास्ट कलर कर लिया है और इसमें मैंने पेंट कर लिया है। इसमें मैं इसको मैं हैंग कर सकती हूँ, छोटे छोटे हैं, इसमें 4 धागे लपेट के आप इसको हैंग भी कर सकते हो आराम से। नीचे नोट लगा लीजिए ऊपर से और माखन भर के रख सकते हैं हम लोग। तो ये मेरा रेडी हो गया। और मैंने एक बैकग्राउंड भी बनाया है, ये कैरम बोर्ड का जो हम लोग का बैकग्राउंड होता है डेकोरेट करने के लिए, तो मैंने इसमें पहले वीडियो में लगाए हुए, आप थोड़ा कम्प्लीट देखना, फ्लावर की लड्डी वगैरह लगाई है, इसमें लाइटिंग भी है, तो ये भी आप जरूर चेक कीजिएगा। बहुत ईजी और बहुत कम बजट में एकदम 0 बराबर समझिए आपका बैकड्रॉप भी बनके तैयार हो जाएगा। और ये मैंने बनाई थी, ये चारपाई मेरे कान्हा जी की, अगर आपने ये वीडियो ना देखा हो तो आप इसको भी जाके चेक कीजिएगा, बहुत प्यारी छोटी सी मिठाई के डिब्बे की ये भी बनाई है मैंने। ये हो गया। और क्या पूछा, हाँ पीछे आपको दिखाई दे रहा हैंग वाला, ये भी मैंने 2 बनाए हैं, ये भी मैं इनका, इसका और हैंग वाले का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वो भी आप जाकर चेक कीजिएगा। मुझे थोड़ा सा जंगल भी क्रिएट करना था और मेरे पास वो थे नहीं फ्रेंड्स एनिमल वगैरह, तो इस टाइप की मेरे बेटी के पास एक बुक थी, फर्स्ट टाइम जो पढ़ना शुरू किया था वही बुक है, तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं इसमें, तो इसमें मुझे बहुत सारे एनिमल मिल गए। देखिए, तो मैंने अलग अलग एनिमल इसमें मैंने पिकॉक कट कर लिए हैं। अगर आप चार्ट पेपर से बना सकते हो उसको चार्ट पेपर से कट कर लीजिए और पीछे किसी कार्डबोर्ड में उसको चिपका दीजिए। इस तरह से मैंने ढेर सारे जितने भी अच्छे अच्छे मुझे वो मिले एनिमल मैंने सारे ले लिए। मैं थोड़ा जंगल भी दिखाऊंगी कि अपने झांकी में कृष्ण भगवान राधा की जो रासलीला हो रही है आसपास, जब जानवर आके नहीं बांसुरी सुनते थे खुश होते थे उस टाइप का मैं लुक दूंगी। तो ये भी मैंने तैयार कर लिया है। तो बस इसी के साथ दोस्तों अपने मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। मैंने 4 DIY किए हैं, अगर आपको उनमें से कोई भी एक पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों में भी ये मेरा वीडियो पहुँचे, बिकॉज मैं अभी यूट्यूबर में स्ट्रगल कर रही हूँ, नई हूँ, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, अच्छा प्यार मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए मैं ये सब कर भी पा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने और थोड़ी बहुत क्या तैयारी के लिए, जितना सामान था मैंने निकाल लिया है, अब बस मुझे थोड़ा बहुत काम आंतर प्रसाद बनाना है, घर का खाना तो बनाना है और ये सब सजाने में मैं जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं सारा ही क्लिप कोशिश करूँगी ले लूँ और आपके साथ एक ब्लॉग भी शेयर करूँगी अपने जन्माष्टमी का। दिखाती हूँ मैंने इधर क्या क्या रखा है। ये मेरा वही है बैकग्राउंड जो मैंने बताया था अभी, मैं इसमें साइड में मैंने फ्लावर लगा रखा है, मैंने पूरा वीडियो चेक करना। ये मेरी वो ढक्कन है बॉल, ये मेरे कुछ लाइट्स हैं, ये मेरे कुछ पहले के फ्लावर जो हम लोग हर दिवाली गणेश जी में यूज़ करते हैं, ये भी कुछ मेरी लाइटें हैं, ये भगवान जी के आसन कपड़े वगैरह हैं, इसमें मेरे छोटे छोटे जो कान्हा जी वगैरह झूले होते हैं वो हैं सारे, और देन ये मेरे सब चौकी मटकी जो भी मैंने सब कुछ दिखाई है फ्रेंड्स। तो और ये मेरा मंदिर जिसको मैंने पहले ही सारे कपड़े वगैरह इसके निकाले, पर्दे कर्टन थे आसन थे सब मैंने निकाल के इनको चीज धुल लिया, अब बस मुझे मंदिर धुलना है और जितने बर्तन हैं भगवान के वो धुलने हैं और बस इतना काम रह गया है। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिएगा और देखिए मेरा ये दोनों वीडियो देखिएगा। ओके बाय, हर हर महादेव, राधे राधे।
तो फ्रेंड्स ये मैंने मिठाई का डिब्बा ले लिया था, ये मेरा आधा किलो का डिब्बा था। पहले मैंने बेस के लिए आधा किलो का यूज़ किया है और जो ऊपर का है उससे मैंने एक किलो का यूज़ किया है। तो गिफ्ट हम लोग जिससे पैक करते हैं बस उसी पैकिंग उसी पॉलीथीन से हम लोग उसको अच्छे से गिफ्ट पैक करते हैं, सेम ऐसे ही हमको पैक कर देना है। मिठाई का डिब्बा अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, ये भगवान वाले मिठाई के डिब्बे ही हैं तो जूठन वूठन इसमें है नहीं, साफ़ ही है मेरे। तो अच्छे से मैंने इनको टेप लगा दी, जिस तरह से सेम हम लोग गिफ्ट पैक करते हैं बस इसी तरह से इसको पैक कर देना है। और चाहे तो इसके अंदर आप पेपर्स वगैरह कुछ भर सकते हैं, थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा मिठाई के डिब्बे के अंदर। तो मैंने आधा किलो का नहीं, सॉरी मैंने ये 250 ग्राम का लिया था, सबसे छोटा वाला, और फिर ये मैंने एक किलो का डिब्बा लिया है। और इसमें मैंने ये 5-5 रुपए के गोल्डन सिल्वर रेड हर तरह के मिलते हो, ये थोड़ा इसका ये पेपर हार्ड होता है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, ये पूजा पाठ में बहुत यूज़ होता है। इस पर इसको मैंने इस पर इसको भी फेविकॉल की हेल्प से मैंने इसमें पेस्ट कर लिया है, फेविकॉल नहीं मैंने सेलो टेप से लगाया है इसको। दोनों को ही सेम टू सेम आपको गिफ्ट की तरह पैक कर देना, जिस तरह से हम लोग गिफ्ट पैकिंग करते हैं उसी तरह ही सिंपल इसको पैक कर लेना है। ये हमारा हो गया है, नीचे का जो था बेस उसका, ये ऊपर का हमारा ये दिखे तैयार। अब इसको मैंने फेविकॉल से इसको अच्छे से चिपका लिया है दोनों को, बीच मैनेजमेंट में आप मैनेजमेंट करके इसको बीच में अच्छे से रख लीजिएगा, ये देखिए। और मैंने इसको आधे घंटे के लिए सूखने रख दिया था फ्रेंड्स, जब ये सूख गया था उसके बाद मैंने थोड़ा इसको डेकोरेट किया है। डेकोरेशन के लिए बिल्कुल सिंपल आसान है, सिंपल तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ आप 10-5-20 रुपये की लेसेस वगैरह ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो खर्चा लगेगा ही, मेहनत भी लगेगी खर्चा भी लगेगा। तो मैं कुछ लेस ले आई थी, मार्केट में लेने जाओगे तो आपको 100, 200, 400 इस तरह के आसन ही मिलते हैं, इससे कम मतलब 100 का तो मेरे ख्याल से कोई आसन था ही नहीं जब मैं भी देखने गई थी। और ये आपका मेरे ख्याल से मुश्किल से 50 रुपये भी नहीं लगाया है, ये आपका आसन पूरा तैयार हो जाएगा। और आपको ये खुशी ये भी मिलेगी ना, मैंने अपने कान्हा के लिए खुद बनाया है, जो अपने हाथ से आप चीज़ें बनाते हो ना उसकी खुशी ही अलग होती है। तो मैंने ऊपर भी पेस्ट कर दिया, इस तरह से मैंने नीचे भी एक अलग कंट्रास्ट मेरे पास लेसेस थी, मैंने नीचे भी पेस्ट कर दिया है, आगे आगे किया, मैंने पीछे का छोड़ दिया लेस का, मैंने लगा आगे भी मैं ये कुछ यूज़ कर लूँगी। साइड से भी मैंने कवर कर लिया था, दोनों साइड से लगाए, और नीचे मैंने एक थोड़ी मोती को छोटी छोटी लेके आई थी, मैंने वो लगाई थी फ्रंट पे एक, ये कलरफुल है, बहुत सुंदर लग रहा था लगने के बाद, ग्लूगन की हेल्प से। लेकिन आप लेसेस वगैरह ग्लूगन से लगाएंगे तो फटाफट काम हो जाता है। अब बात आती है इसके पीछे की, आसन बना रहे हैं तो पीछे तो आप मैंने सर्कल वो कार्डबोर्ड था उसको मैंने कट कर लिया, मेरे पास गोल्डन पेपर था, मैंने उसको उसमें अच्छे से पेश कर लिया, उसको भी सुखा दिया था। और मैं कुछ ये मोर पंख ले आई थी, 10 रुपए का एक मोर पंख मिलता है बड़ा और 5 रुपए का मिलता है छोटा, तो ये मैं छोटे वाले लेके आई थी, बड़ा मुझे नहीं ठीक लगा तो मैं छोटा ही लेके आई थी, क्योंकि मेरा आसन इतना बड़ा नहीं है ना, मीडियम साइज़ का आसन है। तो बस मैंने अपने हिसाब से इसको कट कर लिया और मैंने बीच से लगाना शुरू किया, आधे से नीचे जितना मुझे केवल अपने डिब्बे में चिपकाना था उतनी ही जगह बस मैंने छोड़ी है, बाकी मैंने पूरे में इसको ग्लूगन के हेल्प से लगा दिया। अच्छे से पेस्ट कर दीजिए एक एक आराम से, जितना चाहे आप उसको उतना घना कर सकते हैं। कुछ एक दो मेरे पास बच गए थे, वो मैं जन्माष्टमी डेकोरेट में भी यूज कर लूंगी। ये देखिए ये बनने के बाद इसको फिर मैंने पीछे भी ग्लूगन के हेल्प से इसको पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा आप इसमें सेलो टेप भी लगा लीजिएगा, ग्लूगन से तो पेस्ट हो गया लेकिन वेट हो रहा है। और मिठाई का डिब्बा अगर लकड़ी का होता तो वो और अंदर मजबूती से चिपक जाता, लेकिन लकड़ी का है नहीं, हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं मिठाई का डिब्बा लकड़ी है तो आराम से आपका ऐसे ही चिपक जाएगा, लेकिन हम लोग मिठाई का डिब्बा है इतना ये मजबूत नहीं है। फिर मैंने इसके पीछे अच्छे से सेलो टेप भी लगा दिया था तो ये और मजबूत हो गया है। ये देखिए ये मेरा फाइनल लुक, मेरा कान्हा जी का आसन तैयार। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट DIY की साइड, मुझे तो बहुत सुंदर लगा, मेरे कान्हा जी भी इसमें बहुत सुंदर लगेंगे मुझे पता है, और मैं बहुत खुश हूँ। आप भी ज़रूर बनाइएगा बहुत कम बजट में, और आपका इतना प्यारा आसन बन जाएगा क्या चाहिए नहीं, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। मैंने साइड का नहीं किया क्योंकि मेरे आसन में प्लो वगैरह है, तो मैं साइड का मैंने छोड़ दिया है,
सेकेंड DIY की मैं इसका बैक डोप बनाने वाली हूँ, कैरम बोर्ड का जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। पीछे आप बहुत तरीक़ों से बना सकते हो, लेकिन मेरे पास चीज़ें भी बहुत कम थी और टाइम भी बहुत कम था, तो मेरे पास जो रखा था मैंने उसी का ही गाइस बनाया है। बहुत अलग से मैंने चीज़ें नहीं ली हैं। तो ये जो मैं साड़ी का बना रही हूँ, ये साड़ी मैंने पहनी ही नहीं है, इसमें बहुत सितारे थे मेरी, आके जैसी की तैसी ही रखी थी। तो मैंने इसका सूट बनवाया था, और जो इसका ये पल्लू है, पल्लू बिल्कुल मेरा नया साफ़ कोरा है, तो मैंने इसका ही यूज़ किया है। आप इस तरह का, आपके पास कैसा भी कपड़ा हो, साफ़ हो, मतलब नया कपड़ा भगवान जी की बात है ना, तो कोई भी कपड़ा आप अच्छा ला सकते हो। चुन्नी बुनिया माता रानी की चुन्नियाँ नहीं जो आती हैं, आप वो भी यहाँ यूज़ कर सकते हो। माता रानी की चुन्नी है वो मुझे आगे यूज़ करनी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ यूज़ नहीं किया। तो बस मैंने सेलो टेप के हिसाब से गांठ लगा के इसमें अंदर से मैंने लाइट झालर नहीं लाइटिंग होती हैं वो मैंने लगाना शुरू किया। पता है गाइस मेरी, लेकिन ये मैं जो लगा रही हूँ ये मेरी हो गई थी ख़राब। मैंने मतलब जब लगाई थी, चेक की थी तब जल रही थी, और जब बनाने के बाद मैंने लगाया तो ये नहीं जल रही थी। मैंने फिर से दोबारा आपके बनाने के बाद मैंने फिर से इसको पूरा खोला, फिर से मैंने सेकेंड दूसरी इसमें लाइट्स लगाई हैं, फिर आपको कम्प्लीट बट दिखाया। तो मेरी बस यही एक हो गई थी कि मेरी डबल मुझसे मेहनत पड़ गई थी, लेकिन आप एक आपको आइडिया मिल जाएगा। मेरे पास क्लिप थी इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं, कि बस इसमें लाइट ही तो खराब है, बाकी सेम मैंने वैसा ही किया है। बस ऐसे रफली इसको टेप लगा लो, फैला लो ऐसे, इस तरह से मजबूती से हो गया ये हमारा। इसमें झालर वालर हमारी फिक्स हो गई है। तो जो पीछे का साइड है ना उसको मैं फ्रंट रखूंगी और इसको मैं पीछे कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें लाइट जलाऊंगी तो इसमें जो कलर है ना, कलर कैरम बोर्ड के दिखाई देते, और पीछे का केवल लकड़ी लकड़ी है तो वो दिखाई देगा नहीं। और इसमें कलम बुक कैरम बोर्ड के जो कलर से लाइट जल रही थी, और कपड़ा इतना ये वैसा नहीं था, और कपड़ा पूजा पाठ का हल्का ही होता है तो शो करेगा कि आपका कैरम बोर्ड है। इसलिए अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड हो, आप कार्डबोर्ड में बना सकते हो, थर्माकोल पे बना सकते हो, जिसमें भी आपका मन हो, जरूरी नहीं कैरम बोर्ड में ही बनाओ, आपको जो ठीक लगे आप उसमें बना सकते हो। तो मेरा कैरम बोर्ड था छोटा सा, और इसको एक चीज़ देखिए, मेरा कैरम बोर्ड ख़राब नहीं होगा, मैंने उसमें कुछ भी नहीं चिपकाया ऐसा। मेरा बच्चा फिर से कैरम बोर्ड यूज़ करेगा, बस सुई धागा की हेल्प से मैंने कपड़े को अच्छे से जहाँ जहाँ टाकना टाइट टाइट करते हुए मैंने अच्छे से पूरा कर दिया। सुविधा अगर नहीं करना चाहते आप स्टेपलर का भी यूज़ कर सकते हो, इसमें स्टेपलर से पिन कर सकते हो मेरा, लेकिन मैंने सुविधा का कच्ची सिलाई मैंने हर किसी इस पर कर ली है। अब बात आती है ये लगाने की, इसके लिए मैं कुछ चिपका नहीं रही हूँ लड़ियों को, बस छोटे छोटे आप सेफ्टी पिन ले लीजिए, क्योंकि हमें हमेशा के लिए तो उसको रखना नहीं है। अगर आपको हमेशा के लिए रखना है तो आप पेस्ट कर लीजिए, लेकिन मेरा काम है इसको अभी सजा के फिर इसको निकाल कर रख देंगे। अभी मेरा कैरम बोर्ड अच्छा है, मेरा बच्चा इसको खेलता है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी इसमें चिपका नहीं रही हूँ। बस सेफ्टी पिन की हेल्प से मैंने चारों तरफ जो मैं आर्टिफिशियल लड़ियाँ लेके आई थी, ये दिवाली और हरे में सभी में काम आती हैं, तो इस टाइप की मेरे पास है काफ़ी हैं, मैं हर बार ही ले लेती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद भी आती हैं, अभी भी मुझे कम लगती हैं ये, कि मेरे पास और होनी चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मैं जब भी कोई फेस्टिवल पड़ता है मैं दो चार हमेशा लेती रहती हूँ, तो मेरे पास शायद 8 या 10 हो गई हैं। इस बार मैं ये नई लेके आई हूँ, ग्रीन वाली और येलो वाली, और मेरे पास ऑरेंज भी है। तो बस इसी तरह सेफ्टी पिन लगा दिया, सेफ्टी पिन लगा के ये देखिए हमारा पीछे का तैयार। उसके आगे आप आसन रखिए, अपने कान्हा जी बिठा लिए, कितने सुंदर लगेंगे। छोटी सी जगह पर आप झांकी सजाने के लिए ये है, कि आप पास छोटी सी जगह उसमें बहुत अच्छे सजा सकते हैं। अभी मैं लाइट जला के दिखाऊंगी, क्योंकि पहले वाले तो लाइटिंग मेरी बेकार ही हो गई थी, जली नहीं थी, तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई थी। तो मैंने फिर से फ्रेंड्स इतनी ही मेहनत की है, उसको खोला और ये देखिए लाइट के बाद कितना प्यारा लुक रहा। मैंने रात में अभी ये नहीं, मेरे दिन में ही है, मैंने लाइट भी नहीं ऑफ की है, ये मैं एकदम रोशनी में आपको दिखा रही हूँ। और रात में जब इसको जलाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा, लाइट बंद करके जब इसको देखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई दूंगी, जब थोड़ा लेट दूंगी लेकिन पक्का सबका दूंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड DIY की साइड। तो फ्रेंड्स वही जो मैंने मटकी आपको शुरू में दिखाई थी, तो मैंने व्हाइट पेंट पहले ही इसमें कर लिया था, क्योंकि हर छट पूजा के लिए इस कलर को हमें पहले ही कलर करने पड़ते हैं, ऐसे मिट्टी में नहीं कर सकते। तो मेरा व्हाइट बेस पहले ही से था, और ये सिंपल 10 रुपये वाला ही मेरे पास कलर है। अभी मेरे पास वैसे कलर नहीं है, मैं भी बता तो रही अभी नई नई हूँ, तो मैं अभी चीज़ें लाऊंगी खरीदूंगी, तो मैं छोटी सी चीज़ से ही अभी एक्सपेरिमेंट करती हूँ, आप खुद भी सीख रही हूँ और आप लोग को भी बताती हूँ। ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसा नहीं कि इसमें कलर हो, मतलब 10 रुपये कलर कितना चलेगा, अरे कितना ही, हमारी एक जन्माष्टमी चल जाएगा, बहुत है। इसको हम लोग बाद में कैंडल भी बना सकते हैं, मैं इसका दिखाऊंगी जब इसका जन्माष्टमी निकल जाएगा, तो इस टाइप की मैं आपको कैंडल बना के दिखाऊंगी फ्रेंड्स।
तो बस मैंने इसमें फटाफट एक डंडी में वो लगा लिया था फॉर्म रबड़ बैंड से, और मैंने सारे ही इसमें कलर कलर वाइट थे तो मेरे पास शायद ये 15 थी, मैंने 15 के 15 इसको अलग अलग कलर में मैंने कर लिए, और सिंपल में कंट्रास्ट लेके एयरबड की हेल्प से मैंने सब में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए। सिंपल एंड श्योर मेरी मटकी रेडी होगी। मेरे पास लेस नहीं थी, छोटी पतली अगर लेस होती तो मैं इसके ऊपर लेस भी लगाती, लेकिन मैं मार्केट फिर ज़्यादा लेस लेके नहीं आई थी, जितना मैं आसन के हिसाब से लेके आई थी इसके हिसाब से मैंने नहीं ली थी। तो अगर आपके पास लेस हो या शीशे हो छोटे छोटे आप वो भी लगा सकते हो, आपके पास जितनी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे मोती लगा सकते हैं। तो मेरे पास अभी एक सब कुछ ये नहीं था, तो बस मैंने ही कलर से ही सिंपल इनको पेश कर दिया। और कहते नहीं है भगवान भाव के भूखे होते हैं, अगर आप दिल से कोई भी चीज़ करते हो ना ईश्वर उसमें खुश हो जाते हैं। आप बहुत करोड़ों की लखों चीज़ लगाओ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जो है जितना है आप उतना ही करो, और लेकिन दिल से करो कोई भी चीज़, जब दिल से करते हो तो भगवान उसको महसूस करते हैं। तो देखिए ये मेरी मटकियाँ तैयार होगी, इसको हैंग भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी बेकार सी है, आज देखिए आपने एक मेरी सासू माँ की, उन्होंने बहुत यूज़ की है और इसका एक पावा तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही बेकार हो चुका है, लेकिन मैंने कहा मैं इसको अभी यूज़ कर लूँगी, जब बेकार बिल्कुल हो जाएगा तब मैं नई लेके आऊँगी। मेरी सासू माँ की है तो अदबी है उनकी, मैंने उसको धुल लिया था अच्छे से पोंछ लिया, और वही जो मैंने आसन में गोल्डन पेपर यूज़ किया है मैं उसमें भी इसमें भी यही यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से चिपक जाता है ये, हर तरह से मुड़ जाता ट्विस्ट हो जाता, बहुत अच्छा है ये पेपर, मुझे बहुत पसंद आया। और बस मैंने इसमें क्या किया, मैंने पूरे में जहाँ जहाँ मुझे ये लगाना था फेविकॉल लगाती गई और इसको पेस्ट करते रही, काटते हुए। कोई एक मैनेजमेंट नहीं मैं दे पाऊँगी कि यहाँ से शुरू करो वहाँ शुरू करो, बस एक आइडिया से ही इसको आप बच्चा भी पेस्ट कर लेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। और जो अभी मैं आप लास्ट में देखोगे मेरे पास वही जो मैं साड़ी बता रही थी जो मैंने पहनी नहीं है वो बिल्कुल वैसी थी, उसमें बहुत क्यों नहीं पहनी, उसमें बहुत सितारे बहुत थे, और वो सितारे मुझे लग रहा था कि वो स्किन में प्रॉब्लम देंगे, उल्टे सितारे थे, तो जब मैं उसको छू के देखती तो वो हाथ में ही ऐसे गड़ते थे, तो वो साड़ी मेरी वैसी की वैसी बहुत दिनों से रखी रही थी, तो मैंने उसके सारे सितारे निकाले थे और बस पल्लू पल्लू छोड़ा है और सारे लेस निकाल ली थी, तो उसी की ही लेस है ये, बिल्कुल नहीं है, जो कि मैं आगे DIY में काफ़ी मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, पूरी साड़ी की ही है वो। और बस सिंपल सा सूट मैंने साड़ी का सूट बनवा लिया, अगर आप कहेंगे तो मैं सूट दिखाऊंगी, सूट भी बहुत सुंदर बना है उसका, लेकिन सितारे निकालने के बाद सूट बहुत सुंदर बना है, और मैं तो उसकी सूट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, हो सका तो मैं जन्माष्टमी के ब्लॉग में पहनूंगी, आप देखिएगा। तो बस ये मेरा इसी तरह चारों तरफ मैंने पेस्ट कर लिया, मैंने पूरा सूट नहीं किया क्योंकि बच्चा मेरा फ़ोन मांग रहा था, और इसके बाद बस मैंने उसको फ़ोन दे दिया। तो इसी तरह से सिंपल ही आपको पूरे पेस्ट कर लेना है, और जहाँ जहाँ आपको समझ में आएगा लेस मैंने ग्लू गन से लेस चिपकाई है, फिर मैंने फेविकॉल से नहीं चिपकाई है, और भी फटाफट सूख रहा था बहुत, उसमें टाइम नहीं मुझे देना पड़ा कि छोड़ना है इसको, मैंने जो भी काम किया लगे हाँ सारा ही काम कर दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था। देखिए एक आइडिया तो आपको मिल गया होगा ना किस तरह से करना है, साइड का भी ऐसे तरह में चुपका के काट दी गई, अंदर से इसको मैंने मोड़ दिया, तो ये बॉर्डर बहुत अच्छा से सामने आ रहा था। बस इतना ही मैं सूट कर पाई हूँ, फिर उसके बाद मेरे बेटे ने फोन ले लिया था, ये देखिए वो लेस में जिसके बारे में बता रही थी फ्रेंड्स, ये मैंने ऊपर उस ग्लू गन के हेल्प से चार कोनों में लगा दिए, और साइड की जो है नीचे का बॉर्डर ये मैंने उधर लगा लिया है। सच में ये बिल्कुल नई लग रही, बिल्कुल नई लग रही, बहुत सुंदर लग रही है, इसमें आपको आसन वगैरह कुछ बिछाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी सुंदर लग रही है ये, ऐसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इन चारों में से मेरा कोई भी एक DIY पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, आप कमेंट करते हो लाइक करते हो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, और नए नए वीडियो में इसी तरह डालती रहती हूँ कम से कम बजट में। तो आप भी अपनी जन्माष्टमी एंजॉय कीजिए, राधे राधे, हर हर महादेव, बाय।